Trip over trolleys will be the name of this vlog. We did not expect this from Sara. 12 o'clock now in the night, if you wake me and tell me a dog bit you, how will you react? Yeah, you can come and watch me drink my morning coffee. Hi, what's up, you guys? Welcome back to another episode of Hustle with Sara. You and I, we hustle together. It is Tuesday today and I am actually headed out for an event in Bandra National College. I'm not fully aware of what it is, but I know the cause. It is for LGBTQ and ADAPT. Now, ADAPT is an organization in Bandra, which is for the disabled kids. And I've been there as an occupational therapist when we were studying. Tabhi humko ek din site visit ke liye leke gaye the. It was literally the last site visit jo COVID hit hone se pehle hua tha. The proper offline thing that we had. उसके बाद हर चीज ऑनलाइन हो गई थी और हम वैसे ही ग्रेजुएट हो गए. मतलब मेरा तो पूरी पढ़ाई वैसे ऑफलाइन ही थी, खाली एक एग्जाम ऑनलाइन दिया था हमने और फिर बाकी वापस हम वार्ड्स में काम करने लगे थे. बट इट्स वेरी स्पेशल टू मी व्हेन इट केम फ्रॉम अडैप्ट. आई वाज लाइक आई रियली नीड टू गो फॉर दिस, बी देयर फॉर अ कॉज. एंड आई डोंट नो फुल्ली कि वो क्या है, बट दे टोल्ड अस टू वेयर ट्रेडिशनल. सिंस इट्स आल्सो एलजीबीटीक्यू, दे टोल्ड अस टू बी कलरफुल एंड आई डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ कलरफुल but muted outfit. So I thought I would go for a sari or I would go for my white anarkali. तो अभी तक fix नहीं है कि मैं क्या पहनूंगी. आज की सुबह काफी hectic थी, इसलिए I haven't managed to fix up a blouse or anything. I went and borrowed my friend Jake's sarees which he wears for his characters. And I have a couple of options जो colorful from there, जो ज्यादा झटक भी नहीं है, जो मैं पहन सकती हूँ, wearables ही है. और फिर उस पे लाइक यू नो आई एम्प अप द ज्वेलरी एंड आई वेयर समथिंग फ्रॉम माय मॉम्स वार्डरोब. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ मिक्स एंड मैच सिचुएशन. तो अनुप्रिया हैज टेकन द आउटफिट्स एंड गॉन नीचे. आई एम गोना डू अ क्विक ग्लैम, समथिंग दैट विल गो विद एवरीथिंग, जस्ट लाइक अ फ्रेश दिस. द होल पॉइंट इज कि बॉम्बे में इतनी गर्मी है, लाइक 12 टू 3 पीएम इज लाइक अ हीट वेव पीरियड एंड वी हैव टू बी देयर एट 3 o'clock. तो आई एम फीलिंग वेरी गर्मी टू इवन गो आउट. एम वेरिंग अ ट्यूब ड्रेस राइट नाउ टू जस्ट लाइक यू नो लेट द एसी हिट मी इन ऑल द पार्ट्स ऑफ माई बॉडी बिफोर देन आई हैव टू गो. पोजिशन ऑल ओवर हियर एंड आई एम गोना स्टार्ट अप लाइक विद आई डोंट नो क्या करूं. मतलब सिंपल सा ही कुछ करूंगी. एंड आई ऑल्सो बाय द वे परचेज द न्यू नायका ऑल डे मैट फाउंडेशन. उस दिन मैं टियाना के साथ ही मैं उसकी बर्थडे की शॉपिंग कर रही थी एंड आई सॉ इट एंड आई जस्ट वॉच्ड इट एंड द कवरेज वाज ब्यूटीफुल. तो आई वाज लाइक खरीद लेते हैं. वैसे तो मैं नायका का कुछ भी रिव्यू व्यू करती नहीं हूँ, बट आई वाज लाइक चलो ठीक है, इट्स लाइक जस्ट 599 एंड इफ इट गोज ऑन डिस्काउंट देन इट विल बी गुड. एंड कवरेज इतना अच्छा था, आई गॉट द शेड हनी. मैंने अभी तक पूरा दिन पहना नहीं और आज इवेंट है तो मैं रिस्क नहीं लूंगी भाई अपनी स्किन के साथ. आई एम गोना यूज अ मेबेलिन फिट मी ऑल टाइम फेवरेट स्टार्टिंग विद द स्ट्रोक क्रीम. सब मैं फास्ट फॉरवर्ड में डाल दूंगा. तुम लोगों ने मुझे मेकअप करते हुए बहुत बार देखा है और तुम लोग बार बार कंप्लेन करते रहते हो कि यू आर नॉट डूइंग मेकअप वीडियोस एनीमोर. शॉर्ट्स देखो, शॉर्ट्स मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे मेकअप कंटेंट डालती हूँ. उस शिट अप स्ट्रोक क्रीम, मैंने फॉरगॉट सनस्क्रीन एंड ओ माई गॉड प्लीज गाइज, अभी अगर इतनी गर्मी में तुम लोग सनस्क्रीन नहीं लगाओगे ना तो रेस्ट इन पीस स्किन. दिस इज द यूवी डू सनस्क्रीन SPF 30 स्ट्रोक क्रीम के ऊपर लगा रही हूँ, बट ठीक है कुछ नहीं, बड़ी केस वापस स्ट्रोक क्रीम लगा दूंगी. आइडियली सीरम के बाद सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए. Fully glammed up and ready. I'm wearing these turquoise blue lenses from Pack and I've kept my makeup very very simple. The lipstick I'm wearing is Monday from Verified, but I might like darken it a little bit once I wear the sari and understand the mood of the entire look. I don't know yet because I'm still in my dress, so I'm going niche in my parents' house. I'm going to the niche wala ghar so that I can figure what I will look like at the end of this. I don't even know what jutti should I wear, so I'm gonna figure all of that out and I'll see you niche sir. Earrings ke sath mummy tumhari wo wali de do pendant, Nataraj wala pendant de do. This one is just a single chain, so I think just wear these only. For the hand you don't want anything, hand wo aap hand mein de do, bracelet ring bhi de do aur wo bhi de do. Ha ye acha lag raha hai. ये बेटर लग रहा है. बीच वेव माय हेयर नो नो इट्स लुकिंग नाइस. नहीं नाइस प्रिटी प्रिटी प्रिटी. Oh God, this is like the heat wave time in Bombay. I don't even know how much energy I have to vlog or. I'm gonna remove my sunglasses and walk with glasses. अगर ये आउटडोर हुआ ना मैं तो देर आउट. ऑडिटोरियम में Angel Express Foundation, pre-teens from Podar International School,
and the geriatric population from old home supported, we have Ms. Sara Sarosh, an impactful occupational therapist by profession and a beautiful and charming makeup content creator by passion. मुझे जिम जाना है। हाँ मेरा 7 बजे जिम। हमारे यहाँ चलता ही नहीं है सब। Guys, we've come to food hall in a sari to do grocery shopping in a sari. Why are you making us do it? I'm not making you all do grocery shopping. We are going to go have coffee and now we are in a sari, तो हम वैसे ही जाएंगे। We don't trip over trolleys. Trip over trolleys will be the name of this vlog. कोई सेंस है इस बात की? अल्फिया did not even know food hall existed over here. और she's like बाजार में भी जा रही है तो मुझे। यही पलीवड़ी है और I have no clue that. अरे food hall is new but. Thank you so much. Overdressed for food hall and how. We could have sat there only for coffee and all but let's have a look ना. कौन सा अच्छा है अनुप्रिया? ओनली ऑट के साथ हमने कोलैबोरेट किया है फ्रॉम इम्पल्स कॉफी बट हाँ ओट मिल्क बहुत अच्छा होता है मैं ये वाली नहीं पीती वेर इज 137 है ही नहीं इधर 137 मेरे बनिए वाले के पास होता है आई हैव दिस चॉकलेट आई कैन ऑल्सो विजुअलाइज इम्पल्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह गाइस तुम लोग मैनिफेस्ट करो तो एक दिन इंशाल्लाह इंपल्स कॉफीज भी फूड हॉल में होगा ओके ओ ड्यूड हेवन आई केम हियर इट स्मेल्स सो गुड मैं लेता हूं इसी दस हरम बस ये लाइफ में ऐसी ऑर्गेजम बेशरम है सब लोग रोस्टर लुक ओ ड्यूड लुक एट द फूड लुक एट ओ वाओ My mom loves baklava. I can give you this 250 grams ka box. Approximately 8 pieces will come in it. This is the cashew. This is chocolate and walnut. That's only walnut. This is the best selling pistachio. Yeah. This is single layered walnut. Give me pistachio base for sure. Okay. You can only give me one walnut. Again, give me two of that. Okay. And give me one of this. Just a bit. I'll have a proper salad. Sandwich, matlab. Mediterranean sandwich. Where are you seeing all this? Buffalo chicken burger. Pesto chicken and spinach sandwich. No, I'll have avocado burrata. That is veg, huh? मुझे दिख रहा है. I say I'm not against veg food. Oh wait, instead of that, can you make it a signature avocado toast? That's okay. It. Yeah, just a signature avocado toast, and my coffee is already been placed.
Priya complaining about all the customer service she deals with at Impulse there Coffees. There are people who know who actually समझते कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो वो लोग वेट करते थे एंड आई एम लाइक आई ऑलवेज रिवर्ट नो मैटर व्हाट मैं 12 बजे में तुम्हारा डीएम और मैंने देख लिया ना मेरे नोटिफिकेशन में तो भले 12 ही बजे हो मैं जितना ही करूँगी ना सो मेनी कस्टमर्स यू नो हु थैंक मी Her husband has shouted at her for 2 hours while we were in a meeting and then finally ki order nahi pahuncha hai aur finally unke watchman ke paas order tha because covid aur kyunki humko to deliver dikha raha tha panel and then not even a word of sorry is just like ha okay hum we've received it 2 ghanta when they were sunawing her they kept telling her that what is this you send us proof of delivery out. Send us proof that you emailed it send us proof तुम एक बार अपने वॉचमैन को पूछ लेते तुम्हारे को अगर कोविड प्रोटोकॉल है फॉलो करती है बिल्डिंग क्या बुरा लगता है वो डायरेक्टली ऐसे बोल देते ना कि यू नो वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस यू नो मतलब तेरा ब्रांड है तो वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम सारा इट्स सो डिसअपॉइंटिंग मैंने बोला आ रही है बट कहां टेबल एस्केलेट क्विकली थी ना बोलते ना वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम सारा तो क्या फक मैंने ना सारा से कुछ मतलब मैंने गलत कर दिया मेरे को कॉन्शियस होता कि उस फॉलो मैं तू कैसे ठीक कर बिकॉज़ आई डोंट वांट कि बिकॉज़ पीपल यू नो दे डील विद मी डिफरेंटली बट देन दे डीएम फॉर डिफरेंट थिंग्स It gets very chaotic. They remove your frustration and then they just forget about it. But मेरे पूरा दिन मेरे दिमाग में यही चलता रहता है, you know कि मैंने क्या गलती की। हाँ वो लोग मतलब वो कस्टमर सर्विस को खाली फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए कॉल करते हैं मतलब सोच अभी वो बंदी नहीं इतना सुनाई। This is coming from a place of people's past experiences. मतलब customer services are so shitty of brands. Yeah. कि अगर कोई genuinely भी अच्छा होगा ना वो उनको doubt. तो experience अच्छा था. So I think वो 4 packs का order करना ही चाहिए. Hopefully इतना सुनाई अन्नो को तो अब तो वो ज़िंदगी भर impulse ही थी. अभी तुमको customer भी याद है तो verify तो order मैं ही करती हूँ ना. So hi ma'am, I hope your experience was good. Would you like to reorder? Rims, you liked it? Very good. Mouth melt. Good baklava. Fudge is also complete. Fudge, we are not from Turkey to feed you baklava. Okay? You are also not from Turkey. I bought for you, no? What you want to do? Game to play. This is my dinner for today. 9 बज गए गाइस मैं और अल्फिया और हम लोग सब फूड हॉल में इतनी देर बैठे थे कि टाइम का पता ही नहीं चला अब बहुत लेट हो गया आज तो जिम भी नहीं हुआ यू गाइस विल नॉट बिलीव हाउ मच फन आई हैड एट दिस इवेंट इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड आई जेन्युइनली डिड नॉट इवन नो पूरा एक्सटेंट ऑफ व्हाट आई वाज गोइंग फॉर देयर वाज जस्ट वेरी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस दैट हाँ LGBTQ एंड अडैप्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इट्स अ कोलैब एंड इट्स फॉर नेशनल कॉलेज बट आई डिडंट विजुअलाइज हाउ fun this would be and how close to heart this would be for me able disabled all people together yeah that's what adapt is it's a non governmental organization and they have one of the centers in banja so hum logo as a part of our course now for all of you who don't know I've done bachelor's in occupational therapy so as a part of our course in the fourth year we had a visit to the adapt center to just understand how they are functioning is and what all different specialties work there to make the life of those differently abled children better school ho exams हो बेसिक लाइफस्टाइल हो हर चीज उधर ही होती है सो फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन सेरेब्रल पॉल्सी किड्स एवरीबॉडी दे जस्ट ट्रीट अंडर वन इट्स नॉट रियली ट्रीटमेंट इट्स बेसिकली रिहैबिलिटेशन भी होता है स्कूलिंग भी होता है उनकी एग्जाम्स भी होती है सब कुछ उधर ही होता है इट्स अ वेरी नाइस ऑर्गेनाइजेशन एंड हम लोग को उधर एक विजिट हुआ था और बस वो हुआ और अगले हफ्ता कोविड हो गया था सो दैट वॉज लाइक अ लास्ट विजिट सो आई विल नेवर फॉरगेट दैट सो व्हेन आई केम टू नो कि ये जो भी इवेंट का इन्वाइट आया है इट्स विद अडैप्ट आई वाज लाइक डेफिनेटली वांट टू गो फॉर दिस And it was so much fun because I just remembered all those. It for a minute there, I remembered what it was like to be in college because this was a college fest after so long. मतलब 2 साल हो गए dude COVID को ऐसा realize नहीं हो रहा है ना क्योंकि घर में ही बैठे थे और मेरी life तो कुछ ज़्यादा ही change हो गई है 2 सालों में तो I used to do fashion shows in college. I was very active in college during the fest time. I was very much in the back end organizing. I was the head of the fashion show and मतलब ये सब करने में जो बहुत मजा आती है और मैंने किया है कॉलेज में तो सब
कॉलेज के बच्चों को देख के, बच्चे बोल रहे हो जैसे मैं बहुत बुड्ढी हो गई हूँ, बट बेसिकली कॉलेज किड्स, कॉलेज लाइफ, फैशन शो, गोइंग टू अ कॉलेज, इट वॉज सच अ डिफरेंट वाइब. बट दिस टाइम फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, इट्स लाइक इट वॉज आर एवरी डे ना. वी यूज टू सी डिफरेंटली एबल्ड किड्स, डिफरेंटली एबल्ड पीपल एवरी सिंगल डे. सो दे हैड बिकम अ पार्ट ऑफ आर लाइफ एंड इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. दिस कॉलेज लाइफ स्टाइल प्लस सीइंग दीज किड्स वॉज अ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन. एंड इन दिस पास्ट 1.5 years ऑफ just sitting at home and content creation and impulse and everything, at least in the last 1 year, my life has changed quite a lot. My career paths have changed quite a lot. My everyday routine has changed quite a lot. Aaj bahut matlab aisa flashback for a minute there, I was like a college student again. I was an OT again. It really felt good. Someday I definitely want to. This is what I mean by making a difference on a larger scale. Mere last time ki Q&A mein jo aaj hi video upload hui hai, usme I was saying ki I want to make an impact on a larger scale. You know how as a content creator, I was invited to attend this event as a content creator, but then being from the OT side of things, I could relate also and I could put myself in both shoes, you know. So I just had a blast. I honestly, like, I cannot explain. Isse zyada main explain karne jaungi to tumko samjhega bhi nahi ki mujhe kaisa lag raha hai, but mujhe bahut 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 maza aaya. I am so grateful that I went. इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी ना कि काफी मेरे स्पिरिट्स लो थे टिल आई रीच देयर एंड देन आई सॉ द किड्स एंड देन आई सॉ द कॉलेज एनवायरनमेंट एंड इट वाज फन. इट वाज टू मच फन. तो मेरी दोस्त आई घर और वो बोली कि मुझे वनीला फ्लेवर का ट्राई करा. ठीक है, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिला खरीदने का. मैंने कहा रुक, अभी तेरे को ट्राई करा. जो पागल हुई वो कि अब तो मैं खरीदूंगी, अब तो मैं इसको भी दूंगी, मम्मी को भी दूंगी, जो चाहिए वो. तो भी मैंने कहा रास्बेरी वाला आया है, अभी आएगा तो खोल के मैं तेको पिलाऊंगी. तो अगले हफ्ते आ रही है वो ड्राइंग में. सो पीपल आर कमिंग स्पेशली एट माय प्लेस टू ट्राई योर कॉफी. ये अब मैं ऑर्डर सोचो बस. ऐसे दोस्त चाहिए लाइफ में, बस हिमाद्री पटेल जैसे दोस्त चाहिए. पब्लिसिटी कराने लोग वही था. The next day. My favorite days in the week are the edit and admin days, because on those days I tend to get most distracted by these Instagram reels. I'm a creator and I'm a consumer both. Like main itna reels pe rehti hu, it's not even funny. Utna to main banati bhi nahi hu jitne main reels dekh le. Of course, not humanly possible. Main abhi kitchen mein aayi hu because ek reel skin care ka dekhte dekhte mujhe yaad aaya ki meri vitamin C ki dawai maine nahi khayi hai. So sometimes it turns out to be a good thing, but sometimes it's a thrash because mama's got so much work to do. And what is the explanation I will give the people whose deadlines have not meeting? I reels pe time pass kar di thi. So I'm putting vitamin C in water and I'm having glutathione tablets because it's a part of my dermat thing. Ye main tumko batati rehti hu ki mere dermatologist ne kya kya diya hai, but that doesn't mean you take it without dermat consult. And I take the medicines mostly which are sold in their clinic only. So I'm good like that. I'm just putting vitamin C in water. I love watching this, it's very aesthetically pleasing. By the way, update, ये कोने का हमने कुछ भी अभी तक नहीं किया है. The jhaad is just sitting there. It's like a cozy nook. In the daytime, it looks really fake. I will not lie. The Impulse Coffee's logo keeps falling over there. वो जो logo है ना, वो officially हमने नहीं बनाया था. When Eventflink did their launch party for us, for all the creators who came home, that time they used it as a decor piece, and we never, of course, हमारा logo हम किसी को क्यों देंगे? तो हम मतलब रख लिया है and we put it on the wall. Whenever we are filming for YouTube or we want to take a photo for Instagram or something, but properly, I've not made it like an Impulse Coffee's headquarters or you know like a nook or doing anything basically, because कोई भी चीज करने के लिए I'd have to commit to this place or commit to spending money on this place, which currently I don't want to because I don't even know if I'm getting to keep it, right? So another 15-20 days of me being in this grey area ke kya karna hai, move out karna hai, matlab mere landlord se kuch jawab aaya nahi ab tak. Jab aayega then we can, then I have lot of ideas for this place. Of course, I'm already Pinterested it out. Raat ke time pe only the mood lighting is on in the khachas. Then it gives a very cozy vibe with the bean bag and the pillows and the rug and everything. It becomes like a cozy nook and fudge chills over there all the time. But din ke time pe it's not a mood yet. And I don't even know if it will ever be over here. Well, honestly, it's like subject to what my landlord says. Hai na Faju? Whatever he says, we do. Correct? Am I right or am I right? Okay, I'm going back to work. And this time around, I'm going to keep my phone on charging so that I can work and not actually pretend to work. 2 hours later. चिकन सैलड, गवार की भाजी एंड रोटी, बांगड़ा फ्राई एंड मम्मी फ्राई, मम्मी का भेजा फ्राई. मेरा मिर्ची भी खत्म, उसकी फ्रेंड की थी. इट्स जेक सारी. जेक नजर उतारना. आई डोंट लाइक द सारी.
mom likes bharial sari, na Jake's likes chiffon. But chiffon was good, Baba. It was very hot yesterday. I went in an auto. Oh, hot, don't ask. That's what. It is hot only. That's why only I try to get up early. It's very difficult to get up early, but afternoons too, it's not easy to function. So happy with the baklava I got. Mummy, yaar, eat less. This is chocolate pistachio. I bought one. There is lots. I bought a full assorted box and I bought a full like cake size piece. Have you seen your mother eating sweets? Especially. I have specifically instructed her that it's like a delicacy and have it aaram se mummy because roz nahi jaati hu main udhar aur roz nahi aata. Still it is there, Ali. It's only for me, na. You're not going to share it, right? No, Baba. You only eat. I go to the gym. I'm eating salad and all. I need to lose weight. You don't have any. The Christian protocol of motion. Her box of life are completed. Nothing to lose. Quickly, I made an aesthetic setup. I had to make my evening cup of coffee. So along with that, I shot some stories also for Impulse. Because real pay, we use only camera shot content. We either shoot on my camera or Amit's camera or like professionally shot content. Fajr is looking at me from the corner. But you are not going to get coffee. Usually around this time, I give him Marie biscuit. So isliye wo kitchen ke darwaze pe aisa hopes ke saath khada hai. But usko kuch nahi milne wala hai. Because Marie biscuit hum band kar rahe hain. Uski wajah se usko skin allergy ho rahi hai. So mama gets coffee and Fajr gets, what do you want? Nothing, not till your skin infection is healing. You can't have all these treats and all. I need to see why you're getting the skin infection. Then we'll resume. Okay, good boy. One eternity later. Guys, it's Thursday and we're shooting for my channel, for my Instagram and YouTube. We've got Amit over here doing absolutely nothing as always. Bhaishan, kuch zyada nahi ho gaya. Matlab... कुछ भी जस्ट इरिटेटिंग मी बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज बेस्ट एट अदर टाइम या तो उसको कॉल्स आते हैं नो यू कांट होल्ड ऑन फॉर वन सेकंड व्हाट या श्योर तो बेटा एक काम कर सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट उनको बोलने का सॉरी आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग आई विल कॉल यू बैक लेटर अरे तो सच्ची में फोन काट दिया उसका तो मुंह पे क्यों फोन कर रहा था तू पागल है क्या तू गाइस 150 हो रहा है और हम शुरू करने वाले थे 12 बजे और 1 बजे हम लंच कर रहे थे मेरे को भूख लग रही है मेरे को भी भूख लग रही है मेरे को भी भूख टाइम पास ही करता है काम स्टार्ट नहीं हुआ भूख लगा है खाना है ये है वो तो तुमने आके सीधा पेट पूजा किया है ठीक है ना हमने नहीं किया है एंटी बस ब्रेकफास्ट पर है तू कितना फ्रेम ले रहा है कि फोन दिख रहा है थोड़ा ऊपर भी ले तूने कौन सा लेंस लगाया है 35 मेरे को ये लेंस नहीं पसंद 85 चाहिए बहुत क्रॉप हो जाएगा ओके सो अमित इज हैविंग सुशी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर और वो भी मेरी माँ के हाथ का वो भी माँ ने भी पहली बार बनाया बट मेरी मॉम ने तो अच्छा बनाया यू लाइक इट थैंक्स आई विल टेक यू टू फू एक दिन फू या यार बट मच्छी का है वे इधर मच्छी है तो पूरा खाना पानी पूरी के जैसा खा उसको यू विल गेट ऑल द टेस्ट्स इन वन I took my mom to Foo and tabhi mummy ne pehli baar sushi khaya tha. My mom has this thing when she likes something in a restaurant, she will come home and make it. This was like a surprise because we were shooting and I told her send food up. So I will go down and like hug her and everything about it because I had no idea she was making sushi and I did not even think she could ever make it ghar pe. Because you need like a mat and all to make this. I don't know when she got it and how she made it. Talented mother. I was like, I'm very lucky to have my mother. So are you? You also get to eat my mother's khana. Obviously, जैसे ही होता है कल शूट है. He only comes to my mother's food for my shoots. No. Aesthetic के चक्कर में मुंबई का होटल का खाना बर्बाद हो गया था. Which is true. Pink wasabi and all the food is so bad. It's not even funny. उधर का sushi तू खाएगा ना खाना ही मत. उधर से फोटो लेने जाना pink wasabi में. बंगार खाना. वो pink जाड़ा भी इधर लेके है. अभी pink wasabi जाने की जरूरत नहीं हमें. मोहब्बतें लगा दू चल तू ये शॉर्ट दे फिर मैं मोहब्बतें लगा दू मोहब्बतें के गाने बहुत अच्छे बच्चे लोग टॉफी दे दूंगी ओके कुछ भी गाना लगा अनु पीछे उधर उधर अगर मैं ही रिफ्लेक्टर पकड़ूंगी तो बाल कौन पकड़ेगा पोज कौन एक हाथ से पकड़ना अनु तू उधर आ जा लाइट को उधर रख ये सीट के पीछे रख चेयर के पीछे चेयर और आ गया और आ गया और आ गया हाँ अब पीछे जा थोड़ा पीछे जा बस परफेक्ट व्हाट द फक यू वांट मी टू डू रेडी अनु इधर और जी लगता है जी है नहीं 3 2 1 गो गॉड लुक अमित
किरण चाचा फोटोज लेगा? Later that night. Guys, I'm done with life. Mama, now we're done. कैसा लग रहा है आपको? We should be asking you that question and you are asking your mom. 12 o'clock now in the night, if you wake me and tell me your dog bit you, how will he react? Then I just picked up my phone and her called me. Lucky, yeah. It was a kismat ka this because no, pura. No, kismat nahi. This is mom daughter telepathy. And I messaged y'all also because Kainath called me because I had called her for a birthday to wish at 12, and this happened at 12:10. It's a birthday today. I called to wish her, and she called me back when the dog bit. Hey, Bhagwan. So I immediately in an instant messaged on the group. Ki I was like, shit, in loko batati ho. मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था वो कायनात ने कॉल नहीं की होती तो मेरा दिमाग चलता माय व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस आर ऑफ आई नो गुड पूर्णिमा सो व्हेन पूर्णिमा वाज सीइंग सो आई गॉट हर कॉल फ्रॉम हर सेकंड नंबर व्हिच वाज एन अननोन नंबर आई इमीडिएटली कॉल्ड हर आई वाज नॉट गोइंग टू पिक इट अप थिंकिंग इट्स स्कैम उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था शी कॉल्ड मी फ्रॉम अनदर अननोन नंबर एंड आई वाज लाइक इतना रात को फोन अरे उन लोगों का प्रिंटर खराब हो गया उन लोगों को बोल ईमेल कर देना ना यार नो दे नीड दैट फॉर Like, I mean, to get you out, they need those papers. Purnima called from a random number. I was like, hello. She's like, tu kidhar hai? I'm like, who is this? She's like, bro, Purnima. I'm like, kya hua? Main airport par. She's like, sara emergency. I'm like, kya? Like, Jovin Chapat ne kaata hai. I'm like, hey, bhagwan. This was so unnecessary. Jaan nikal gayi hai meri. मैं 12 घंटा शूट करने के बाद सोने वाली थी ब्रो मेरे को कॉफी पीने और मैं कॉफी पीने निकली थी रात को बाहर अपना खुद का ब्रांड होते हुए क्यों कॉफी पीने गए दैट वाज द मेजर It was not about the coffee. It was about the person I was meeting. What you put that is you put I had full blown makeup after shooting. I went out with that. इंसान बाहर जाते समय मेकअप निकाल देगा तो मेकअप वेस्ट होगा ना यार नियोस्पोरिन डाला है वुंड पे फिर भी खून आ रहा है काफी डीप है वुंड फाइनली मेरा बच्चा एक ही कुत्ता अच्छा है जिंदगी में सच्ची में मैं बोल रही हूँ दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग यू गाइस अब तो दैट्स इट ही हो गया है अब मैं कुछ भी बोलने की भी कैपेसिटी में नहीं हूँ मैंने कॉटन रखा है बिकॉज इट्स ब्लीडिंग क्वाइट अ लॉट सो दे हैव गिवन मी द रेबीज वैक्सीन का इवन दो बिफोर लीविंग फ्रॉम आई टेल यू हाउ द यू ऑल डोंट नो द एंटायर सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपेंड I went out after my shoot and everything to meet a friend. We were out there for coffee and then hum log chal rahe the raste pe. And we were standing in one place and talking. And this is like, there are food trucks and all around this area and families and all are there, okay? And we are standing and talking. And then there are families constantly passing by. This is the time around the night, like 11:30-ish that families come with their dogs and also we were seeing cute dogs in all the cars and one Activa comes with a big German Shepherd and he's let loose it's a properly pala hua kutta jo utra and then wo susu susu karne bushes mein gaya so because that dog was loose me being me went to do like that like you know main to stray dogs ko bhi karti hu yaar main to matlab main khadi thi chupchap I could have The dog was looking at me. I was not even eating. It's not even like I had khana in my hand. Nothing. कुछ नहीं मैं wallet भी नहीं लगी थी मैं सिर्फ phone लगे नीचे उतरी थी नीचे building के नीचे और मैं ऐसा की and he pounced at he didn't even bark or give me a warning. He just pounced at me and then the owner comes from behind and she's like panicking. The owner had no leash. No leash. They literally came without a freaking leash on an Activa. पर कभी मैं main road पे फर्स्ट को हमेशा leash रखती हूँ सिर्फ compound में वो off leash रहता है ये main road पे dog को German Shepherd वो भी if you know your dog is aggressive because the minute he
pounced on me. She said no, 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 no. Matlab, she just said she no. She was said no because I did this, na. So she was saying no to me, but it was a little too late. That dog is already pouncing on me, and मैं गाड़ी को टेक के खड़ी थी. तो मैं भागती भी किधर और दिमाग उतना तो चला कि मैं भागती तो एक कुत्ता तो मेरा पीछा करता था. I let him bite me. Like I literally did this because dude, he was a heavy dog. I could not have pushed him. That was so impossible. Like my friend also want to act, but what do we do? So then she only, I think, took him away. I don't know, in that minute my brain went blank. I know he bit me three places because he bit me here. He bit me here, then he bit me here, and then he bit me here. And he was heavy. So his impact took over my body and मैं सुन हो गई. एकदम मेरे कान बंद हो गए. मैं ठंडी पड़ गई एकदम. So he could have gotten into a quarrel, but he was just like, आप अपने कुत्ते को लीश पे रखो, and he put me in an auto and immediately acted. I was like, हम घर पे जाते हैं. पता नहीं मेरा दिमाग नहीं चला. Of course मैं ठंडी पड़ गई, मेरे कान बंद हो गए. तो I was like, कान क्यों बंद हो गए? I went into max panic, but internally, because externally I'm like, it's fine, it's a dog bite, it's fine, it's a dog bite. I'm trying to be that calm zen person that I usually am in. You know, I've been in worse situations in life, in general. तो I was just like, ठीक है, मतलब कुत्ते नहीं काटा है. तो अंदर से अपने आप को मैं दिमाग में बोल रही हूँ कि कुत्ते नहीं काटा है, बट मेरी बॉडी ने इतना इम्पैक्ट लिया तो मैं इतनी ठंडी पड़ गई थी. सो इनिशियली इट फेल्ट लाइक हाँ ओके, इट्स अ स्मॉल थिंग, बट देन दे सेड इट्स अ थर्ड डिग्री बाइट बिकॉज इट्स प्रीटी डीप, इट्स स्टिल लाइक ब्लीडिंग एक्टिवली. So that meant that even though that dog, we did ask before leaving that usko rabies ka vaccine diya hai kya, to wo vaccinated hai, wo boli bandi. To hum, main boli ke nahi lete hai, but he, of course rabies is fatal, so of course get vaccinated. Took the rabies vaccine, took the tetanus injection, took a monoclonal antibodies on all of the active bites that are there, which are 3. To kaafi sujan hone wali hai. But that is it, you guys. जो भी मेरे को नजर लगा रहा है, सच्ची मैं बोल रही हूँ, मैं फज्जू बाबा है, मिस्ड यू, यू नो, इन दैट मिनट आई वाज लाइक, मेरा भी कुत्ता है, बट वो कभी किसी को ऐसा नहीं काटता. नो बाइटिंग लाइक दैट, नो. एंड आई आल्सो वांट टू से वन थिंग, दैट जस्ट बिकॉज दिस हैपेंड विद मी, डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, एस्पेशली स्ट्रे डॉग, बिकॉज पीपल टेंड टू गेट स्केयर्ड ऑफ डॉग्स आफ्टर अ डॉग बाइट. आई वॉन्ट टू से अ लिटरल पाला हुआ डॉग has done this to me. ये कुत्ते की प्रॉब्लम नहीं, ये वो इंसान की प्रॉब्लम है जिसको इतनी अक्कल नहीं है कि तुम्हारा अगर डॉग अग्रेसिव बाय नेचर है तो तुम उसको भाई लीश पे रखो. डॉग्स को तुम लीश पे रखो. हम लोग, मैं भी फज को कैफेज वगैरह हर जगह लेके जाती हूँ. वो मेरा सबसे स्वीट बच्चा है, वो किसी को नहीं काटता है, किसी को भी कुछ नहीं करता है, मासूम है. तो भी मैं उसको लीश पे से नहीं छोड़ती हूँ. यू हैव टू हैव कंट्रोल ओवर एन एनिमल इफ यू आर टेकिंग हिम आउट, प्लीज. ओके गाइज, दैट इज इट. आज सारा स्पॉट शॉर्ट आउट, कोई नहीं, मतलब चला.